महोबा जिले की पुलिस में उस समय हड़कंप मचा था जब एक 5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला गरमा गया। दरअसल मामला शहर कोतवाली के हवेली दरवाजा इलाके का है, जहां रहने वाले जितेंद्र साहू की 5 वर्षीय पुत्री योगिता बीती शाम 5 बजे घर के बाहर खेल रही थी और वहां से अचानक लापता हो गई। बच्चे के गायब होने पर परिजन उसे आसपास तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस को सूचना दी गई तो शहर कोतवाली पुलिस छानबीन में जुट गई। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक संदिग्ध युवक नजर आया और बच्ची के अपहरण का सुराग भी हाथ लग गया। यह सूचना जैसे ही जिले के कप्तान पलाश बंसल और अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह को मिली तो दोनों ही अधिकारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर जा पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत जल्द ही बच्ची को बरामद करने की बात की। इस अभियान की कमान संभालते हुए शहर में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। हवेली दरवाजा मैदान से लेकर इलाके में एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाने लगा। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। जानकारी में पता चला कि बच्ची को इलाके में ही रहने वाला एक शराबी युवक बबलू अपहरण करके ले गया है। इसके बाद पुलिस ने तत्काल बच्ची और आरोपी का फोटो सर्कुलेट कर सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया और देखते ही देखते यह पूरी सूचना शहर में फैल गई। शाम को 6 बजे से शुरू हुआ ऑपरेशन मुस्कान करीब रात के 12 बजे तक अपने अंजाम पर पहुंच गया। सूचना मिली कि बच्ची को लेकर अपहरणकर्ता महोबा रेलवे स्टेशन में देखा गया था, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती पता चला कि युवक बच्ची को लेकर ट्रेन से निकल चुका है। इसके बाद पुलिस टीमें अलग अलग दबिश देने में जुट गई और आखिर पुलिस ने आरोपी बबलू को दबोच लिया। उसके चंगुल से 5 वर्ष की मासूम योग्यता को भी साकुशल बरामद कर लिया गया। खुलासे में पता चला कि आरोपी बबलू बच्ची को दिल्ली लेकर बेचने जा रहा था। बच्ची के मिल जाने के बाद पिता जितेंद्र और मां मीना ने पुलिस को धन्यवाद दिया है, तो वहीं स्थानीय लोग भी पुलिस की इस तत्परता की प्रशंसा कर रहे हैं। कल शाम को हवेली दरवाजा थाना कोतवाली नगर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4.5 से 5 वर्ष है, उसको एक व्यक्ति लेकर के चला गया है। उपरोक्त सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई, अभियोग पंजीकृत कराया गया, विभिन्न टीमें गठित की गई, जिन टीमों के द्वारा सीसीटीवी को देखना था, अलग अलग स्थानों पर सर्च करना था। उसके तहत हम लोगों ने जो शहर के अलग अलग स्थानों के सीसीटीवी उनको देखा गया। इस पूरे सर्चिंग ऑपरेशन में जो पब्लिक है, मीडिया के लोग हैं, सभी का बहुत सहयोग रहा और उसके उपरांत बच्ची को हम लोगों ने सकुशल बरामद कर लिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वर्तमान समय में शासन की ओर से मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसे कोई भी जो बच्चे बच्चियां गायब होती हैं ऑपरेशन मुस्कान के तहत उनको खोजने का कार्य किया जा रहा है। तो इस तरह से ये असली अर्थों में ऑपरेशन मुस्कान था और इसमें बच्ची की सकुशल बरामदगी हुई। बच्ची हमारी 6 घंटे में मिल गई। पुलिस ने बहुत मेहनत की है और मोहल्ला वालों ने भी काफी मदद की है सब लोगों ने, तो हम उनके सबके आभारी है। अब बहुत अच्छा है कि हमारी योगी आदित्यनाथ की मिशन शक्ति के आधार पर सब जो बड़े। कितनी तेजी से काम हुआ? बहुत तेजाई से काम हुआ कि 6 घंटे में, तो आशा ना थी कि बच्ची मिल जाए, लेकिन 6 घंटे में बच्ची मिलेगी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या है, क्या हालत में है बच्ची, कौन हालत। महोबा की पुलिस के लिए धन्यवाद, बहुत आशी और बहुत धन्यवाद। बच्ची गई थी तो तब कितना डर लग रहा था, क्या हो जाएगा क्या? तब हमको इतना डर लग रहा था कि हमारी बच्ची पता नहीं किस साल में होगी, कहाँ होगी, कैसे मिलेगी और हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, उसको कहाँ ढूंढें उसको। अब मुस्कान है परिवार में? हाँ, सभी लोग खुश होंगे, सभी पुलिस प्रशासन से खुश है, पड़ोसियों से खुश होंगे, योगी और मोदी से भी खुश होंगे कि उनकी योजना कितनी सुविधा है। महोबा से अशोक वर्मा की रिपोर्ट।